वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड में भर्ती आ चुकी है और इसका देखिए फॉर्म जो है वो 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। 8 नवंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप इसका फॉर्म भरें तो जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि इसका जो साइड है वो बाद में बहुत बिजी हो जाता है और फिर आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं। चलो मैं दिखा देता हूँ कब से क्या होगा, इसमें क्या क्या मांगा है, कौन कौन सी सब्जेक्ट इसमें पेपर में आती हैं, फिजिकल में क्या होगा, आपका एडमिट कार्ड कब आ जाएगा, कब आपका पेपर होगा, पूरा डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए आप, अब देखिए ये है जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पर लिखा हुआ है 30 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच में इसका फॉर्म जो है वो भरा जाएगा। और यहाँ पर बोल रखा है कि खाली सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए ही इसमें एलिजिबल होते हैं, वो फीमेल इसमें नहीं जो है फॉर्म भर सकती हैं। यहाँ पर बोल रखा है आपके पास 10th क्लास का होना ज़रूरी है, जिसमें कि आपका 50%, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिनका परसेंटेज हायर परसेंटेज होता है ना, उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पर बच्चों को लिया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर और क्या बोल रखा है। बोल रखा है कि आपको जो रिक्वायरमेंट है वो जॉब में कुक और स्टीवर्ड दोनों की है। चलो मैं एक लिंक दे दूंगा, दोनों में बताऊंगा कि स्टीवर्ड और कुक इन दोनों में आपको कौन सी अच्छी रहेगी, क्या क्या काम करना पड़ता है, तो पूरा डिटेल मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर एज क्राइटेरिया, 18 से 22 साल के अगर आप हैं देन आप आराम से इसका फॉर्म भर सकते हैं। ये आप देख लीजिएगा एज कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ पर बोल रखा है कि 1 अप्रैल 1998 से लेकर के 31 मार्च 2002 के बीच में, और ये डेट्स भी इसमें इंक्लूड हैं। अगर आप हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और निवेदन रहेगा आपसे कि इसमें आपका जो एज क्राइटेरिया है वो भी डिपेंड करता है, इसके साथ आपका परसेंटेज सबसे ज़्यादा मैटर करता है, आपका परसेंटेज। इसके बाद देखिएगा पे एंड अलाउंसेस आप आराम से देख सकते हैं, पूरा जो मेन है वो मैं बता देता हूँ। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट रहेगा, जब इसका लिंक चालू हो जाएगा, जैसे आप सबको पता है कि आराम से आप भर सकते हैं, 30 तारीख से स्टार्ट इसमें हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद देखिएगा मैं इसमें एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिएगा यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर 17 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर 2019 तक, यानी कि यहाँ पर जो ई एडमिट कार्ड है वो आपके यहाँ पर वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, जो भी रिजेक्शन होगा तो वो भी आपको बता दिया जाएगा कि आप शॉर्टलिस्टेड नहीं हुए। तो पेपर बहुत नज़दीक है मेरे दोस्त, आपको अच्छे से पढ़ाई अब कर लेनी है। इसके साथ देख लीजिए नोएडा, ये जो है सेंटर्स यहाँ पर दे रखे हैं, किस राज्य का कौन सा सेंटर होता है। और सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पर स्पेशली बोल रखा है कि शॉर्ट लिस्टेड क्राइटेरिया विल बी बेस्ड ऑन हायर परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यानी मार्क्स का हायर परसेंटेज वो वहाँ पर लिया जाएगा। और इसमें जो सब्जेक्ट आने वाला है वो यहाँ पर लिखा है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, जनरल साइंस एंड जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस जिसमें कि करंट अफेयर जनरल नॉलेज आएगा, एंड रीजनिंग वर्बल और नॉन वर्बल, ये यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बोल रखा है दोज़ हू क्वालिफाई रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि जो बच्चा इन रिटन एग्जाम को पास कर देगा वो PFT के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है ना, तो आराम से देख सकते हैं कि PFT जो है वो उसी के बाद हो जाएगा उसी सेंटर पर। फिजिकल में आपको क्या करना है कि 1600 मीटर का रेस हो जाएगा 7 मिनट के अंदर, आराम से कर सकते हैं। 20 इसमें देखो उठक बैठक है, और 10 इसमें पुशअप्स है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से एयरफोर्स जैसा ही है, कर सकते हैं। ठीक है, और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद और भी डिटेल यदि मुझे कुछ लगेगा तो मैं आप सबको ज़रूर बता दूंगा। और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, काफ़ी दिन हो गए आपसे बातचीत नहीं हुआ था, चलो अच्छा लगा। क्योंकि यार देखो, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो मुझे नहीं लगता कि आपको बीच में डिस्टर्ब किया जाए फालतू की इन्फॉर्मेशन शेयर कर करके, ठीक नहीं रहता ना। अगर जैसे अभी एयरफोर्स नेवी का SSR AA का एयरफोर्स XY का आ जाएगा तो फिर दोबारा से हम लग जाएंगे। तो अभी आप भी थोड़ा सा पढ़ाई जो है कंटिन्यू करें, क्योंकि यदि आप इस लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको पढ़ाई पर ब्रेक नहीं लगाना है, और आप इसका फॉर्म भर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ यार आप सब लोग अच्छे होंगे, और रियल यार आई मिस यू ऑल। बट प्रॉब्लम ये होता है कि फालतू की चीज़ें डाल भी तो नहीं सकते ना। चलो ठीक है, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो कुछ मत करना, लाइक वाइक मत करना, कमेंट करके बताना आप लोग कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। थैंक यू सो मच।